हेलो, मेरा नाम है धरित्री। मैं स्मार्टबी किचन की तरफ से एक बहुत सिंपल सा रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है चॉकलेट ब्राउनी। इसको हम बेक नहीं करेंगे, गैस पे ही बनाएंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं स्मार्टबी किचन को थैंक यू बोलना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रेसिपी। चॉकलेट ब्राउनी के लिए हम इंग्रेडिएंट्स लेंगे, मिल्क 1 कप, कोको पाउडर 1/2 कप, मैदा 2/3 कप, चप्ड किया हुआ चॉकलेट 1/2 कप, वेनिला एसेंस 1 टीस्पून, हॉट व्हिप्ड क्रीम 1/2 कप, कॉफ़ी 1/2 टीस्पून, पाउडर शुगर 1/2 कप, बटर 4 टेबलस्पून। फिर हम एक बॉल और एक छलनी ले जाएंगे और छलनी में मैदा और कोको पाउडर डाल के छान लेंगे। फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस पे एक कढ़ाई रख के गैस को ऑन कर देंगे। उसके बाद मिल्क डालेंगे, फिर बटर डालेंगे। बटर मेल्ट होने तक हम गैस को मीडियम फ्लेम रखेंगे। फिर गैस के फ्लेम को बिल्कुल सेम कर देंगे। फिर हम जो पाउडर मिक्सचर रखे थे उसको 3 पार्ट करके धीरे धीरे डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, और हमारा ब्राउनी का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है, तो हम और 1/2 कप मिल्क डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसको कंटिन्यूसली 10 मिनट के लिए धीमी गैस पे स्टर करते रहेंगे, और ये अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। हम अभी गैस को ऑफ कर देंगे। फिर हम जिस कंटेनर में ब्राउनी सेट करेंगे उसके साइज में बटर पेपर कट करके कंटेनर में लगा लेंगे, और ब्राउनी को अच्छे से कंटेनर में एक फ्लैट स्पैचुला के मदद से उसको प्रेस कर कर के सेट कर देंगे। फिर एक बॉल में हॉट व्हिप्ड क्रीम और चॉप चॉकलेट डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ब्राउनी को ब्राउनी के ऊपर डाल के फ्रिज में ओवरनाइट के लिए स्टोर कर देंगे। ओवरनाइट फ्रिज में स्टोर करने के बाद हम अभी ब्राउनी को निकाल के थोड़ा सा आलमंड के साथ गार्निश कर लिए हैं।